बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी इनकम टैक्स में पाटिल साहब से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स की रेड मीनाक्षी राजवन से कराई थी। राजवन से रिश्ता नहीं जुड़ पाता तो शरीफ लोग अजनबी बन जाते हैं, पर मीनाक्षी जी तो दुश्मन बन गई। बहुत अच्छा हुआ जो मिश्री की शादी उस घर में नहीं हुई। वो घर हमारी नफरत के काबिल नहीं है, बेटी के काबिल क्या होगा। अच्छा हुआ सारी बात यही खत्म हो गई। भगवान करे कि अब इस जिंदगी में उस घर का या फिर उस घर के लोगों का मुंह नहीं देखना पड़े। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने कुहू का रिश्ता मिश्री से बदल दिया। मिश्री ज्यादा सयानी है, चोट सह गई, लेकिन हमारी कुहू तो इतनी भोली है कि बर्दाश्त नहीं कर पाती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो बाल गोपाल ने कुहू को उस घर से बचा लिया, वरना सोचिए अगर हमारी कुहू उस घर में फंस जाती तो क्या करते हम लोग। मेरी लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। हैशटैग नो लव नो स्टोरी। हाँ अच्छा हुआ बारिश बंद हो गई, साइक्लोन आने से बच गया। तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था? हाँ मैंने जो जो बताया वो तूने रख लिया ना? हाँ तू क्या करेगी? सुन पूरे कॉन्फिडेंस से बात करना, लेकिन बोलना भी जो मैंने कहा ठीक है? कुहो क्या कर रही है? ओह गॉड परशांति ये फूल गिर गया था तो वो लगा रही थी। सुन मैं घबरा रही इसका मतलब ये नहीं तू भी घबरा, शांत रह। इधर आ मेरे पास। हाँ बैग खोल के दिखा अपना। पापा आपकी वाइफ कितनी शक्की है, अपना बैग भी ऐसे ही चेक करती है क्या? हुआ क्या है? आपकी बेटी लाइब्रेरी जा रही है। व्हाट पापा? शौरी प्लीज आप इसके साथ मजाक मत कीजिए। प्रॉब्लम क्या है? शौरी मैंने कहा ना आप बीच में मत बोलिए। मैंने क्या किया है? इट्स अबाउट जो आपने नहीं किया है। जब लाइफ में रोमांस की कमी हो जाती है ना तो ऐसे ही होता है, हैशटैग शादी के बाद। सॉरी मैंने कहा तो कॉन्फिडेंट रहना, ये थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई। जिस तू परेशान भी कुछ अपना हो जाए। आप इसका बैग चेक कीजिए। बैग लो। तुझसे ही उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा था ना तेरे बैग में किताबें। देखा मामा आप तो पूरी बात सुने बिना ही रिएक्ट कर देते हो। ये मिस पढ़ाकू की बुक्स है, वो लाइब्रेरी में रिटर्न करना भूल गई थी इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। अच्छा अच्छा जा जल्दी जा, मिस्ट्री वेट कर रही होगी। बार शादी के बाद वाले कपल। वैसे वो बात तो सही कह रही है। हाँ लाइफ पर रोमांस थोड़ा कम नहीं हो गया क्या कहती है? सॉरी प्लीज अब आप मत शुरू हो जाएंगे। अरे सुनो तो। देखो आज सैटरडे नाइट है, ये बस पब के दो पासेस हैं, वहाँ पे लाइव म्यूजिक होगा, चले सनशाइन होटल। सॉरी हमारी उम्र है पब अब जाने की और माँ पता नहीं। अरे सूफी नाइट है यार, कम ऑन सूफी नाइट चले। हैंग आउट सब ठीक हो गया, अगर कुहू पकड़ी जाती तो। मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? कुनाल को कुकू से दूर रखने के लिए। शट अप। उस लड़की का नाम कुकू नहीं कुहू है, तुम्हें तो लड़की का नाम भी नहीं पता है, इसीलिए मेरा बेटा कुनाल उस कुकू से मिलने जा रहा है। What? हाँ क्योंकि तुम वो काम नहीं कर रही हो जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है। अरे पिछली बार तुम्हें काम के मैंने पैसे दिए थे क्योंकि तुमने वो काम पूरा किया था, अगर इस बार मेरा दिया हुआ काम पूरा नहीं करोगी तो नो मनी। अरे आंटी जी रिलैक्स, मेरा काम बिल्कुल सब ठीक होगा। और वैसे भी मेरे गुरुदेव मुझे हमेशा कहते हैं ईश्वर लाइफ में कभी भी कुछ। शट अप। उल जलूल और फालतू की बातें मुझसे मत किया करो, मेरे पास टाइम नहीं है, और तमीज से बात करो। गॉट इट? अरे ये श्वेत और शाम का ड्रामा मेरे सामने कभी मत करना।
अरे ये तो एक्चुअली पावर चली गई है, आप दोनों को थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है सॉरी, कई महीनों बाद मैंने हील पहनी, ज्यादा देर वेट नहीं कर पाऊंगी। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो हमारी एज को सूट करे। काम करते हैं, ढाबे पे चलते हैं, आराम से बैठेंगे, चाय पियेंगे, बारिश देखेंगे। चलिए बहुत अंधेरा, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, प्लीज तो मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुणाल तुमने पूरे रास्ते एक भी वर्ड नहीं बोला, हैशटैग साइलेंट मोड। तुम ठीक तो हो? I'm fine. ये बात मैं 20 बार सुन चुकी हूँ और तुम 20 बार बोल चुके हो। बात कहने में और होने में फर्क होता है। तुम सच में ठीक हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस रोड पे हमें मिली थी ना उसके आसपास भी इसका घर नहीं है। ये कल भी फ्रॉड थी और आज भी फ्रॉड है। हाँ मैंने झूठ बोली क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कुणाल। सॉरी देखी ना इस टाइम कौन होगा बाहर? हाँ देखता हूँ। Listen, I'm really sorry. पर क्यों? मुझे तो बहुत मजा आया, डांस था, गाना था, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम करण जौहर की फिल्म में, जब तक कि लाइट ना चली गई और पता चल गया नो को हम अभी भी राजकोट में ही। हाँ बट मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के चला गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके, इतना भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तुम कौन सा मुझे जंगल में छोड़ के चले गए थे? एंड आई एम श्योर कुछ खास बात होगी, वरना तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाते। You know what? मुझे पहले तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं था, but अब समझ में आ रहा है कि तुम बहुत sorted हो। I know. वो मैं और कुहू जॉगिंग के लिए गए थे और हम रेस लगाने लगे। मैं रेस में फर्स्ट आ गई इसलिए जल्दी आ गई, और कुहू भी आती होगी। तुम पागल हो क्या? इतनी रात को कौन दौड़ता है ऐसे? अब निश्चय तूने चीटिंग की है। आप लोग इतनी रात गए जाग क्यों रहे? दादी को बता दूंगी। रुको ये अच्छा है, सुनो तो। अरे जाने दो, हम भी चलते हैं वरना माँ सच में बैठ जाएगी। एक्चुअली ना तेरी टाइमिंग बहुत ही ऑफ है, आज तूने मुझे और कुणाल को ऐसे मौके पर डिस्टर्ब किया कि पूछ मत। तू ना दो चार घड़ियां पहननी शुरू कर दे, शायद तेरी टाइमिंग सही हो जाएगी। हाँ वेरी फनी। तुम्हारे गुरुदेव ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है इसमें आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। अगर कोई काम की बात है तो मुझसे करो वरना फोन में रखती हूँ। मैंने अपना काम कर दिया है आंटी जी, मैंने कुणाल को अपसेट होने का पूरा रीजन दे दिया है। अब बस एक काम आपको करना है, आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कुहू कुणाल के पास दोबारा ना जाए। मतलब? मतलब ये कि मैं अभी आपको कुछ पिक्चर्स सेंड कर रही हूँ, वो देख के आपको सब समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट वो पिक्चर्स आप अच्छे से देखना और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको उन फोटोज का क्या करना है। ताई जी देखिए ना आपके फोन पे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, तो खोल के देख लेना। जी हाय रब्बा, कितना बेहुदा जोक है ये तो। क्या है दिखा तो। देखिए इस समय कौन कॉल कर रहा है? इस समय कौन हो सकता? राधे कृष्ण, मीनाक्षी राजवंश बोलू छो। मीनाक्षी जी, ताई जी ये देखिए, जो कुछ भी कहिएगा सोच समझ कर कहिएगा। सोच समझ कर तो अब आपको रहना पड़ेगा। इतनी रात को मैंने फोन किया है तो बात तो जरूर इम्पोर्टेंट होगी। I'm sorry to say, पर आप अपनी बेटियों को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। हमारी बेटियों ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। Thank you.
आपकी बेटियों को तो रिश्तों में और कपड़ों में कोई फर्क नहीं नजर आता। जिस तरह से कपड़े बदलते उस तरह से वो रिश्ते बदल रही हैं। आपकी बड़ी बेटी मिष्टिका कुणाल के साथ रिश्ता नहीं हुआ तो अब आपकी छोटी बेटी को मेरे बेटे कुणाल पर डोरे डाल रही है और ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। जय श्री कृष्ण। बाबूजी आपके लिए खुशखबरी है। आपको मिस्टर चौहान का बेटा सौरभ याद है? मिस्टर चौहान का फोन आया था, सौरभ राजकोट आ रहा है। तो मैं सोच रहा था कि अगर आप लोगों को सही लगे तो कुहू को सौरभ से मिलना चाहिए। आप क्या मिलवाएंगे सौरभ भैया? आपकी बेटी कुहू तो खुद मिल रही है लड़कों से आजकल। जसवीन ये देखिए, कुहू हमें बिना बताए कुणाल से मिलती रही है, उसके साथ पार्टीज में जाती रही है। हे भगवान, उन दोनों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। किन दोनों ने प्रॉमिस किया था? वो कुहू और मिष्टी ने। क्या क्या वादा किया था दोनों ने? यही कि वो उन दोनों लड़कों से नहीं मिलेंगी। वर्षा भाभी, मुझे तो पहले से पता था कि कुहू के मन में कुणाल के लिए लाइकिंग है। कुहू क्या? यही कि बड़बोली कुणाल को पसंद करती है और अब तो मुंहबोली का रिश्ता भी टूट गया है। उसे लग रहा है कि उसका चांस बन सकता है। क्यों वर्षा भाभी, मैंने ठीक कहा ना? वर्षा ये क्या कह रही है? क्या तुम्हें पता था? हमने बहुत झूठ बोल लिया है, अब सच बताने का टाइम है। डांट पड़ेगी तो पड़ेगी, वो देख लेंगे, लेकिन आई थिंक हमें सच बता देना चाहिए। तेरी डाइट का चीट डे है। हाँ तो क्यों फालतू की चीजें खाना चाहती है? तुझे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे फ्री में एक थप्पड़ और पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही होगा मिष्टी, तू प्लीज अंदर जाके कुछ नहीं बोलेगी। वो तो बात समझने की कोशिश कर, हमारी दोनों फैमिलीज में रियल वाली दुश्मनी चल रही है और तू दुश्मन फैमिली की बेटे से प्यार करती है। कुछ ना कुछ तो होगा ही, जो होगा उसे डील कर लेते हैं। लेकिन क्या डील कर लूं? तू मेरी लाइफ में कुछ तो अच्छा होने दे। अभी तक मेरे और कुणाल की एक नॉर्मल डेट तक नहीं हुई है। वो लेकिन मैं तेरे लिए बड़ी माँ बड़े पापा तेरे मम्मी पापा सबसे झूठ बोल रही हूँ। कब तक बोलती रहूँगी? जब तक पॉसिबल है तब तक। तूने अंदर जाके सच की मूर्ति बनने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। मैं तेरी धमकियों से डरने नहीं वाली। बात करने दे, चल। कहां से आ रही हैं आप दोनों? दादू वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो। मिष्टी हमारी ओर देखिए, आप दोनों कहां से आ रही हैं? बड़े पापा वो हम लोग एक पार्टी में गए थे, कुणाल की एक फ्रेंड ने कुहू को कॉल करके कहा था कि वो एक सरप्राइज पार्टी थ्रो कर रही है और वो चाहती थी कि कुहू कुणाल को उस पार्टी में लेके आए। और उसे कैसे पता कि कुहू कुणाल को कहीं पर भी ला सकती है? मैं बताती हूँ। कुहू बाऊजी मिष्टी से बात कर रहे हैं। मिष्टी बताइए। कुहू कुणाल की दोस्त है। हो क्या गया? तो क्या लड़कियों लड़कियों मिष्टी, तेरे और कुणाल के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद कैसे हो सकता है ये? कुहू और कुणाल बहुत पहले से दोस्त हैं। हम दोनों फैमिलीज में जो भी अनबन हुई उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उस परिवार का हर एक सदस्य बुरा हो गया। रिश्ते परिवारों से बनते हैं और बिगड़ते भी परिवारों से हैं। और कोई भी एक किसी भी परिवार से बड़ा नहीं हो सकता। हमारे साथ जैसा बर्ताव किया उसके बाद तो उन लोगों से हमें दुश्मनी का रिश्ता भी बर्दाश्त नहीं, और आप दोस्ती का रिश्ता कराएं। आपका यह रिश्ता आज से, अभी से और इसी वक्त से खत्म। Ugh!
बड़े पापा एक बार हमारी बस बस आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।